धन्योस्मी अनिल जी, आदरणीय प्रफुल्ल कांत जी और फॉर्चून फाउंडेशन के माध्यम से प्रसारित होने वाले इस शिक्षण मंथन कार्यक्रम को देखने वाले सामाजिक माध्यमों के माध्यम से जुड़े हुए मातृशक्ति बंधु भगिनी वृंद और बंधुवर, 2020 जब आया तो कोविड-19 को लेकर के आया साथ में, और चीन से निकला और सारे विश्व में फैला, और जो बड़े बड़े अहम मान्यता में डूबे हुए देश थे कि हमारे यहाँ तो इतनी बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं हेल्थ सर्विसेज है, ऐसे तथाकथित विकसित देशों को भी पछाड़ लगा दी। और हमारे देश में जब हिंदू नव संवत्सर हम मनाने चले थे और उसी समय उन्हीं दिनों में हमने 25 तारीख को ही हमने हिंदू नव संवत्सर दिन मनाया, और लगभग उसी समय से हमको घरवास में रहना पड़ा। भारतीय शिक्षण मंडल ने लॉकडाउन इस नकारात्मक शब्द को स्वीकार नहीं किया, हमने अंग्रेजी में भी उसका पंक्चुएशन बदल दिया, उसमें विराम देने का स्थान बदल दिया, हम लॉकडाउन नहीं कहते, हम कहते लॉक्ड ऑन, हमने स्वयं ने स्वयं को लॉक कर लिया है, ये संयम का विषय है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जब आह्वान किया था 24 तारीख की शाम को, तब उन्होंने यही कहा था कि अपने घर की दहेरी को लक्ष्मण रेखा बना ले, और वही काम भारत के 130 करोड़ भारतवासियों ने जिस संयम का परिचय और जिस अनुशासन का परिचय इस संकट के काल में दिया है, वो वास्तविकता में बहुत हम सबके लिए आंखें खोलने वाला है। जो संवेदना समाज ने दिखाई है, जिसके पास नहीं था उसको सहयोग करने के लिए जो लोग बाहर निकले, और कोरोना योद्धा जो स्वास्थ्य सेवा में लगे थे, सुरक्षा में लगे थे, उनके साथ साथ समाज ने जो भागीदारी की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने धारावी की और झुग्गी में जाकर के और टेस्टिंग करने का काम किया, तो समाज में एक सकारात्मकता का संदेश इस संकट के समय पहुंचा। और भारत की ये जिजीविषा है, अनेक वर्षों से, हजारों हजार वर्षों से, अनेक आक्रमणों के बाद भी यह राष्ट्र और यह संस्कृति आज यदि विश्व विजय के लिए सन्नद है तो ऐसे ही थोड़ी है। यहाँ का पराक्रम अपने धैर्य से, अपने शांति से, अपने अहिंसा से भी प्रकट होता है, वैसे ही वीरता से रण में भी प्रकट होता है। संकट के समय में संकट को चुनौती बनाना, उस चुनौती में से अवसर ढूंढना, और उस अवसर से पूर्व से अधिक शक्तिशाली, समर्थ, समृद्ध बनकर के बाहर निकलना, यह इस राष्ट्र की विशेषता रही है। और ऐसा हमने हजारों हजार वर्षों से देखा है, अनगिनत आक्रमणों के बाद भी, जहाँ सारे विश्व में हमारे बाद में आई हुई संस्कृतियाँ समाप्त हो गई, आज हम 10,000 से अधिक वर्ष का अखंड इतिहास लेकर के और विश्व गुरु बने हुए हैं। प्रफुल्ल जी ने बहुत सुंदर बात कही थी, स्वामी विवेकानंद के ही शब्द है कि भारत दुनिया का चौधरी नहीं बनना चाहता, भारत दुनिया का सम्राट भी नहीं बनना चाहता, ना ही भारत दुनिया में व्यापार के द्वारा विश्व को लूटना चाहता है। इस भारत की सनातन आकांक्षा है जगत गुरु बनने की, विश्व गुरु बनने की। और मैं युवा शक्ति को अक्सर कहता हूँ कि हमारे आँखों के सामने, हमारे देखते देखते पिछले 5 वर्ष पूर्व भारत विश्वगुरु बन गया, लेकिन हमको पता ही नहीं चला क्योंकि समाचार माध्यमों ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी नहीं। तो मैं वो ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ, तारीख बता देता हूँ जिस तारीख को भारत विश्वगुरु बन गया, वह तारीख है 21 जून 2015। हाँ, आपने ठीक समझा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 193 देशों ने, 193 कंट्रीज, 21 जून 2015 को 193 देशों में उस देश की भूमि पर, टाइम स्क्वायर में, ट्रफलगर स्क्वायर में, ऑस्ट्रेलिया में, बेल्जियम में, कुवैत और बहरीन में बुरखा पहनी हुई माताएं ओंकार की ध्वनि करके सूर्य नमस्कार कर रही थी। और जब 193 देशों में वहां के नागरिक वहां की भूमि पर नतमस्तक हो रहे थे, तब वो मेरी भारत माता को ही प्रणाम कर रहे थे। इसलिए भारत माता जगत गुरु तो बन गई, अब केवल हमको वास्तविकता में सारे विश्व के गुरुत्व को और स्वीकार करना है उस दायित्व को, और सारा विश्व फिर एक बार भारत में पंक्तिबद्ध हो जाए। सुबह 2:30 बजे से अमेरिका के एम्बेसी के बाहर वीसा की भिक्षा मांगने के लिए खड़े होने वाले भिखारियों के स्थान पर वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में और ऑस्ट्रेलिया में और लंदन में भारत के दूतावास के बाहर भारत में प्रवेश लेने के लिए उन उन देशों के विद्यार्थी खड़े होंगे, तब भारत विश्वगुरु बनेगा। और ऐसे विश्वगुरु बनाने वाली शिक्षा नीति इस देश को देने के लिए
हमारे आधुनिक काल के महान ऋषि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का हम सबको धन्यवाद देना चाहिए। याज्ञवल के वशिष्ठ विश्वामित्र कैसे रहे होंगे हमने देखा नहीं, अगस्ती को हमने देखा नहीं, किंतु साक्षात जीवंत ऋषि को यदि देखना है तो ऐसे अनेक ऋषि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हमारे समक्ष हमारी आंखों के सामने हमने देखे। और गत 4 वर्षों से इस शिक्षा नीति के लिए बार बार चर्चा करने के लिए जब जब मिलते थे तब एम के श्रीधर जी से, 29 वर्ष का युवा मंजुल भार्गव प्रिंसटन यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर गणित का, जिसको गणित का नोबल पुरस्कार कहते हैं, वह फील्ड्स मेडल पुरस्कार जिसको मिला वो मंजुल भार्गव, अपने पिता के संस्कृत के शिक्षक होने पर अभिमान रखने वाला, आर्यभट्ट भास्कराचार्य वराहमिहिर की परंपरा का रक्त बहता है इसलिए मुझे गणित का पुरस्कार मिला ये कहने वाला, उस मंजुल भार्गव के ऋषित्व की तपस्या की साधना के परिणाम के रूप में यह शिक्षा नीति हमारे सामने। इसलिए जो ऋग्वेद अथर्ववेद की वाणी है जो कहती है कि भद्रमिच्छन्त ऋषया स्वर्विदा, उन्होंने तपो दीक्षां तपसे दुर्ग्रह अत्यंत उग्र तप किया ततो राष्ट्रम बलमोजस्व जातम्, विश्व के कल्याण की कामना करने वाले ऋषियों ने उग्र तप किया तब राष्ट्र को ओज और बल प्राप्त हुआ। अनादिकाल से कैसे हुआ होगा हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे सामने पिछले 5 वर्षों में पूरे राष्ट्र की तपस्या हमने देखी। 17 जनवरी 2015 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी के घर पे प्रेस वार्ता होती है और उसमें 33 बिंदु दिए जाते हैं कि इसके ऊपर भारत की जनता अपने विचार रखे, हम शिक्षा नीति बनाएंगे। 5 वर्ष करोड़ों लोगों ने, सारे भागीदारों ने शिक्षा के, माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी, राजनीतिक प्रतिनिधि, MLA, MP सबके साथ चर्चा करने के बाद, 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में चर्चा के बाद, मुझे लगता है किसी भी नीति के लिए किए गए विमर्श का, कंसल्टेशन फॉर एनी पॉलिसी, इसका भी यह विश्व विक्रम होगा। दुनिया के 120 देशों में जितनी जनसंख्या वास करती है उससे अधिक लोगों ने शिक्षा नीति को बनाने के लिए सुझाव दिए। ये इस शिक्षा नीति की सर्वसमावेशकता, इस शिक्षा नीति की व्यापकता का उदाहरण है। और इसीलिए शिक्षा नीति को घोषित हुए लगभग माह होने आया है, कल 1 महीना पूरा होगा, 29 जुलाई को शिक्षा नीति घोषित हुई, आज 28 अगस्त को हम एकत्रित है, 30 दिन बाद भी पूरे देश के किसी भी पक्ष से, किसी भी विभाग से, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी व्यवसाय से कोई सार्थक विरोध शिक्षा नीति का नहीं हुआ। राजनीतिक और विचारधारा के कारणों से नकार खाने में तूती बजानी पड़ती है लोगों को, तो ऐसी कुछ बातें लोगों ने की, लेकिन वो भी प्रश्न कैसे थे, इतनी आदर्श बना दी अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, इसका मतलब आपको स्वीकार तो है कि ठीक बनी है, अब इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे, जो लोग 370 की धारा हटा सकते हैं, जो लोग राम मंदिर बना सकते हैं, जो शिक्षा नीति तो इम्प्लीमेंट कर ही लेंगे, मातृभाषा में शिक्षा कैसे दे दोगे। आज इस देश में 200 वर्षों से आपने अंग्रेजी थोपने के लिए सारा सरकारी तंत्र लगा दिया, व्यापार लगा दिया, पैसा लगा दिया, बाजार लगा दिया, उसके बाद भी 2011 की जनगणना में केवल 12% लोगों ने लिखा कि हमको अंग्रेजी आती है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि 12% लोगों को अंग्रेजी आती है, मैंने कहा कि 12% लोगों ने लिखवाया कि मुझे अंग्रेजी आती है, उनमें से भी कितनों को आती है पता नहीं, लेकिन 88% लोगों ने तो इस देश की 130 करोड़ में से 88% लोगों ने तो प्रामाणिकता से, निष्ठा से माना कि अंग्रेजी हमें आती नहीं। तो ये शिक्षा नीति तो उन लोगों की समावेशकता की बात कर रही है ना। लगभग सभी बिंदु प्रफुल्ल जी ने हमारे इस शिक्षा नीति में जो विद्यार्थी सभा के हैं वो सभी बिंदुओं को स्पर्श किया, GER की बात भी की, लेकिन ये जो मातृभाषा में शिक्षा वाला विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस विद्यार्थी सहभाग के बारे में पहली बार स्वतंत्रता के बाद 73 वर्षों में पहली बार ऐसी शिक्षा नीति हमको मिली है कि जिसके 2022 के बाद जब लगभग पूरा लागू हो जाएगा 5+3+3+4, पहले 5 वर्ष, फिर 3 वर्ष, फिर 3 वर्ष और फिर 4 वर्ष, और ये लचीला विषय चयन इतना अद्भुत, मन में जो बात है वो ले सकते हैं फ्लेक्सिबल, और जिसके मन में सचिन तेंदुलकर 12वीं पास भारत रत्न है इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के बूते पर ग्रेजुएट कर सकता है,
खेल के विषय लेकर के ग्रेजुएट कर सकता है, ऐसे अद्भुत शिक्षा नीति। और इसकी एक और विशेषता, इसको यदि ढंग से लागू किया जाए, कुछ राज्य सरकारें गड़बड़ करेगी जैसा कि होता है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति से यदि अधिकतर राज्यों में इसको सही ढंग से भाषा नीति को लागू किया जाए तो पहली बार ऐसी शिक्षा व्यवस्था बन सकती है जिसमें कोई बालक यदि चाहे तो पहली से लेकर पूरा स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा तक बिना अंग्रेजी को स्पर्श किए शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ये पहली बार हुआ है, नहीं तो दसवीं में ज़्यादातर जो अनुत्तीर्ण होने वाले, नापास होने वाले, फेल होने वाले बच्चे हैं, वो या तो गणित में फेल होते हैं या अंग्रेजी में फेल होते हैं। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हमने गणित में भी, गणित की दिक्कत नहीं है, गणित तो भारतीयों को, मंजुल भार्गव को वहाँ के अमेरिका के लोग कहते कि तुम्हारे तो रगों में गणित है। एक पाकिस्तानी का ब्लॉग में पढ़ रहा था, अमेरिका में रहने वाला पाकिस्तानी, वो ब्लॉग लिखता है, उस ब्लॉग में उसने लिखा कि बचपन से मेरे को इतना दुख होता था जब जब मेरे विद्यार्थी कहते, मेरे शिक्षक मुझे कहते थे कि भारतीय होकर के तेरे को गणित नहीं आता। अब अमेरिका में भारत और पाकिस्तान, उनको फर्क पता नहीं चलता, सांस्कृतिक रूप से वैसे भी एक है, भौगोलिक रूप से। तो वो कहता था बचपन से मुझे ये गाली सुननी पड़ती थी कि भारतीय होकर के गणित कैसे नहीं आता। जिनके रगों में, जिनके रक्त में आर्यभट्ट और भास्कराचार्य, वो गणित में क्यों असफल होते? भाषा के कारण। गणित के शब्दों की भाषा नहीं समझ पाते इसलिए गणित में फेल होते। इसलिए आठवीं के बाद गणित और साइंस में अंग्रेजी में ही पढ़ना है। महाराष्ट्र में ये विवशता है आज। इस विवशता के कारण बच्चों के कुंठित हो जाते और उनका विकास नहीं होता, वो अपनी प्रतिभा को। आज भारतीय क्रिकेट आज चरम पे आ गया और वर्ल्ड कप हम हमेशा जीतने की बात करते हैं क्योंकि रांची का कोई आकर के खेलने लगा। जब तक दिल्ली मुंबई वाले केवल अंग्रेजी बोलने वाले खेलते थे तब हम विश्व में सारे खेलों में आगे नहीं थे। जैसे हमने अपने गांव की संभावनाओं को और पोटेंशियल को आगे बढ़ाया, और वही काम यह शिक्षा नीति करेगी। ये शिक्षा नीति प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर की सुप्त और संभावना को संभव बनाएगी। जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त की माँ को कहा था, तूने एक संभावना को जन्म दिया है, मैं उसके संभव बना करके दिखाऊंगा। ये जो शिक्षा नीति का मूल कर्तव्य है उसका पालन ये करेगी। इसलिए ये शिक्षा नीति अपने सामने उच्च लक्ष्य रखती है। 14 वर्ष के आयु तक आठवीं करने वाली जो शिक्षा नीति में पहले जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया, उस शिक्षा के अधिकार में 14 वर्ष तक के बालक, प्रत्येक बालक को और निःशुल्क शिक्षा दिलाना ये सरकार का कर्तव्य, ये बात कही गई। इसलिए 14 वर्ष तक का प्रत्येक बालक शिक्षित हो, ये बात कही। ये शिक्षा नीति कह रही है 18 वर्ष तक। 18 वर्ष की जो भारत की जनसंख्या होगी वह किसी भी समय 2032 के बाद, उन्होंने अपने सामने लक्ष्य रखा है 2032 के बाद किसी भी वर्ष आप 18 वर्ष के बालक को यदि देखोगे तो वह शिक्षित बालक होगा। ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का ये अर्थ है। 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का अर्थ है उस आयु वर्ग की जनसंख्या का 100% शालेय शिक्षा में जाएगा और 50% उच्च शिक्षा में जाएगा। 2035 के लिए यह लक्ष्य शिक्षा नीति अपने सामने रखती है। 18 से 22 आयु वर्ग की जनसंख्या यदि आप लोगे तो उस 18 से 22 आयु वर्ग में से आज 24% लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन का 23.8% है। 24% लोग 18 से 22 आयु वर्ग के यह शिक्षा व्यवस्था में जा रहे हैं स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा में। उसको 24% को, अभी तक हम 30% के लक्ष्य नीति आयोग वगैरह देता रहा है पिछले 10 12 15 वर्षों से, पहली बार यह शिक्षा नीति कहती है कि 50% बच्चों को हम ग्रेजुएशन में एडमिशन देंगे। और उसका कारण ही है जो बात प्रफुल्ल जी ने बताई, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का प्रावधान होने से ये संभव होगा। लचीलापन विषय चयन में होगा कि मैं गणित के साथ में और इकोनॉमिक्स पढ़ सकता हूँ, मैं फिजिक्स के साथ में संगीत पढ़ सकता हूँ। मेजर और माइनर विषयों की व्यवस्था कि एक विषय महत्वपूर्ण प्रमुख विषय होगा, दूसरा गौण विषय होगा, ऐसे 3 वर्ष में 3 प्रमुख और 3 गौण विषय चयन करके 4 वर्ष का ग्रेजुएशन, 4 वर्ष का जो स्नातक होगा वो 1 वर्ष में पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। विद्यार्थी, प्रत्येक भारत के विद्यार्थी को अवसर प्रदान करने वाली शिक्षा व्यवस्था, उसके गवर्नेंस मॉडल में चेंज कर दिया, उसकी संरचना में परिवर्तन कर दिया, ऑटोनॉमस क्लस्टर इंस्टीट्यूशंस की बात की, इसके कारण सर्वसमावेशकता बढ़ेगी। और जैसा बहुत सुंदर तरीके से बताया, वंचित वर्ग के लिए, और वंचित वर्ग में सामान्य रूप से जो एससी एसटी और अल्पसंख्यक आदि ही बात होती थी, पिछड़ा वर्ग की बात होती थी, पहली बार शिक्षा नीति दिव्यांगों को भी
वंचित समूहों में रख रही है और दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था हर विद्यालय महाविद्यालय में हो इसकी बात कर रही है। शालेय शिक्षा वाले भाग में भी उनके लिए विशेष छात्रवृत्ति शिष्यवृत्ति की बात कर रही है, फ्रीशिप की बात कर रही है, उच्च शिक्षा में भी बात कर रही है। केवल इतना ही नहीं, उनके प्रोत्साहन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की बात कर रही है और लिंग अनुपात को ठीक करने के लिए, बहनों की और अंदर शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तो एक अलग से जेंडर फंड की बात यह शिक्षा नीति कर रही है। अत्यंत क्रांतिकारी ऐसे उपाय शिक्षा नीति हमको बताती। 1823 में भारत का सर्वेक्षण हुआ था, मैकॉले के आने से पहले। 1835 में ब्रिटिश व्यवस्था भारत में लागू होती है, 1823 में सर्वेक्षण होता है। सर्वेक्षण का कारण भी ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने घोषणा की थी कि स्थानीय विद्यालयों के लिए, पाठशालाओं के लिए हम 1,00,000 रुपया प्रतिवर्ष अनुदान देंगे। भारत के अनादिकाल से चले आ रहे शिक्षा इतिहास में पहली बार सरकारी अनुदान की बात हुई थी। गुरुकुलों में सरकार का पैसा नहीं लेते थे, ग्रैंट की बात नहीं होती थी वहाँ, तो दान कर सकता था राजा, अनुदान नहीं दे सकता था, क्योंकि अनुदान के साथ में शर्तें आती है, कंडीशंस आती है। दान दे दो और बाकी आचार्य तय करेगा कि उस पैसे का कैसे व्यय करना है, राजा को ये अधिकार था। पहली बार सरकारीकरण हुआ शिक्षा का 1835 में। लेकिन उससे पहले जब मैकॉले उनका लीगल एडवाइजर था, मैकॉले कोई शिक्षाविद नहीं था, मैकॉले वकील था, ईस्ट इंडिया कंपनी का वकील था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको पूछा, ये 1,00,000 रुपये की घोषणा तो कर दी, बांटेंगे कैसे? तो मैकॉले ने उल्टा प्रश्न पूछा, कोई भी वकील पूछेगा कितने विद्यालयों में बांटना है, तो बोले पता नहीं, तो बोले पहले पता करो। पता करने के लिए 1819 से लेकर 1823 तक पटवारियों के माध्यम से, रेवेन्यू ऑफिसर्स के माध्यम से 7,00,000 गांवों का सर्वेक्षण होता है और भारत के 7,00,000 गांवों में एक भी गांव ऐसा नहीं मिलता जिसमें शिक्षा की व्यवस्था ना हो। और केवल संस्कृत पाठशाला, वेद पाठशाला नहीं, उच्च और सर्जरी सिखाने वाले, मेटलर्जी सिखाने वाले विद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थान 1823 में केवल बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, जिसमें पूरा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, आगरा तक का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूरा का पूरा पाकिस्तान, लगभग आधे से अधिक पंजाब वाला छोड़ करके, ऊपर वाला छोड़ करके, अफगानिस्तान का कुछ भाग, ये जिस बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था उसमें 1,13,000 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थान थे। ये विलियम एडम ने लिखा है, थॉमस मुंद्रो ने लिखा है, मेरे जैसे किसी प्रचारक ने नहीं लिखा, अंग्रेजों की लेखनी से लिखी हुई बात है कि भारत की साक्षरता 1823 में 100% थी। हर जाति के, हर बालक बालिका के लिए शिक्षा की व्यवस्था भारत में थी। मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वेक्षण किया थॉमस मुंद्रो ने, 100% साक्षरता। बॉम्बे प्रेसिडेंसी विलियम एडम 98%, 98% साक्षरता। पंजाब प्रोविंस जो उत्तर भारत का हिस्सा था, पंजाब और पाकिस्तान और बिल्कुल अफगानिस्तान का पूरा हिस्सा, तिब्बत तक का, हिमालय का हिस्सा, उस समय 93%, 93% विलियम लिटनर ने सर्वेक्षण किया और विलियम बेल ने कलकत्ता प्रेसिडेंसी में किया, वहां भी 98%, ऑन एन एवरेज 96% लिटरेसी थी 1823 में। और 1947 में जब अंग्रेज इस देश को लूट करके गए तब हमारी साक्षरता की प्रतिशत थी 12%। 12% साक्षरता से 70 साल में हम 78% तक पहुंचा पाए हैं। आज 78% लोगों को साक्षर कर पाए। ये शिक्षा नीति 100% शिक्षा की बात कर रही है, साक्षरता की नहीं। आने वाले 10 वर्षों में भारत में पैदा होने वाला हर बालक विद्यालय में प्रवेश करेगा और उसके लिए पहली बार गुरुकुल जैसी वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था को और मान्यता देने वाली बात शिक्षा नीति ने की है। होम स्कूलिंग को मान्यता देने की बात की है, अल्टरनेट मोड्स ऑफ एजुकेशन को इंक्लूड करने की, यानी हर विद्यार्थी का सहभाग हो सके, हर बालक का सहभाग हो सके। मतलब विद्यार्थी सहभाग का जो एक आदर्श भारत ने प्रस्तुत किया था 1823 में, जब हम वास्तविकता में विश्वगुरु थे, जब दुनिया भारत में सीखने के लिए आती थी, इब्न बतूता, मार्को पोलो से लेकर सारे भारतीय भारत में आने वाले प्रवासियों ने जिस अद्भुत शिक्षा व्यवस्था का वर्णन किया है उसको फिर एक बार लाने वाली शिक्षा व्यवस्था। और विश्वगुरु शब्द का प्रयोग भी पहली बार किसी सरकारी डॉक्यूमेंट में हुआ है स्वतंत्रता के बाद। अंग्रेजी में लिखे हुए डॉक्यूमेंट में विश्वगुरु शब्द का प्रयोग किया है वैश्वीकरण के चैप्टर में, इंटरनेशनलाइजेशन वाले चैप्टर में अंग्रेजी में विश्वगुरु शब्द का प्रयोग किया शिक्षा नीति को लिखने वालों ने। और उन्होंने क्या लिखा है उसमें, उन्होंने लिखा है कि वही फिर से और नए से बनाएंगे नहीं, पुनर्स्थापना की बात की है, री एस्टैब्लिशिंग द विश्वगुरु स्टेटस, ये शब्द प्रयोग किया है। और उसके लिए 3 उपाय बताए,
हमारे यहाँ लोगों ने जो नतदृष्ट लोग हैं वो अपनी नाक खुजा करके दूसरे का अपशकुन करने की आदत होती है, वो लोग कह रहे हैं कि विदेशी शिक्षा संस्थाओं को 100 यूनिवर्सिटीज़ को भारत में बुला लिया, इससे क्या विश्वगुरु बनेगा, लेकिन ये नहीं देख रहे कि उसी वाक्य के पूर्वार्ध में ये उत्तरार्ध है। सेम वाक्य का पहला क्लॉज वह कहता है, पूर्वार्ध कहता है कि भारत के विश्वविद्यालयों को विश्व में अपने परिसर खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ विश्व के 100 सर्वोत्तम विश्वविद्यालय को भारत में और कैंपस खोलने का अनुमति दी जाएगी, और आगे लिखा है उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, और वो लीगल फ्रेमवर्क भारत के ऑटोनॉमस और निजी संस्थाओं के लिए जो नियम होंगे उसके एट पार, उसके बराबरी में होगा, कोई विशेष सुविधा देने की बात नहीं की है, ये पहली बार। और दूसरी बात, नहीं तो पहले फॉरेन यूनिवर्सिटीज एक्ट लाए थे कपिल सिब्बल जी, और उससे मैं पूरी तरह से शरणागत, क्योंकि हम गुलामी की मानसिकता से बाहर ही नहीं निकले। आज पहली बार भारत के आत्मविश्वास को लेकर के शिक्षा नीति लिख रही है, तब विश्वगुरु बनेगी। इसलिए विद्यार्थियों का सहभाग, अनिल जी, केवल भारत के विद्यार्थियों का नहीं, विदेशों के विद्यार्थियों का भारत में सहभाग बढ़ाने की बात यह शिक्षा नीति करती है। तीसरा उपाय यही बताया विश्वगुरु बनने के लिए कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में, प्रत्येक विद्यापीठ में एक स्पेशल सेल होगा जो विश्व के विद्यार्थियों को भारत में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित करेगा और उनको सहूलियत प्रदान करेगा। ये वो स्वप्न है जब नालंदा में प्रवेश परीक्षा होती थी और 10,000 लोगों की प्रवेश परीक्षा के लिए 1.5 लाख लोग आते थे, और जब 10,000 को ही नालंदा में प्रवेश मिलता था तो जिनकी छटनी हो गई बेचारों की, व्हाट्सअप नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं थी, इतने दूर से आकर के नालंदा पहुंचे हुए लोग अब वापस अपने अपने देश कैसे जाएंगे, तो ऐसे छिटके हुए, ऐसे जो रह गए, वंचित रह गए प्रवेश से, उनके लिए 18 विश्वविद्यालय नालंदा के 100 मील के घेरे में थे। उन 18 विश्वविद्यालयों में ये रहे हुए लोग पढ़ते थे। ये भारत की विश्वगुरु की जो स्थिति थी वह आज फिर से इस शिक्षा नीति से आ सकती है। ऐसे अनेक और अद्भुत प्रावधान इस शिक्षा नीति में दिए गए हैं। वंचित वर्ग का विचार करते समय इतनी समग्रता कभी आज तक नहीं हुई। केवल आरक्षण दे देने से, केवल राजनीतिक और तुष्टिकरण के लिए कुछ घोषणाएं कर देने से, बिल्कुल व्यावहारिक उपाय करने का काम किया है। जैसे बीएड टीचर एजुकेशन वाले चैप्टर में कहा है कि गांवों के लोग शिक्षक बने इसके लिए विशेष प्रावधान किया जाए, ग्रामीण क्षेत्र के लोग 4 ईयर बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश ले इसके लिए विशेष प्रावधान की बात कर रहे हैं। इतनी दूरदृष्टि, आज हम परेशान है कि गांव में शिक्षक नहीं मिलता, जिस शिक्षक को गांव में पोस्टिंग करते वो गांव में जाता नहीं, ये दुख है सारी सरकारों का, पूरे भारत भर की। उसका उपाय गांव के ही व्यक्ति को शिक्षक बनाना है। एकल विद्यालय में हमने करके दिखाया, 8वीं पास बच्चे को शिक्षक बना दिया तो आज लाखों एकल विद्यालय पूरे भारत के वनवासी क्षेत्र में सेवा भाव से चल रहे बिना सरकारी हस्तक्षेप के। तो यह काम सरकार के स्तर पर करने की बात की। एल्यूमिनी की बात शिक्षा नीति कर रही है, पूर्व छात्रों की बात कर रही है। इसमें 6% GDP केवल सरकार के प्रयत्नों से नहीं होगा, समाज के योगदान की बात कर रही है, समाज पोषित शिक्षा नीति। इसने विद्यार्थियों के सहभाग की, समाज के सहभाग की, स्कूल के मैनेजमेंट में, मूल्यांकन में विद्यार्थी के फीडबैक को महत्व दिया है। शिक्षकों की तो थोड़ी सी मतलब कठिनाई हो ही जाएगी, विद्यार्थियों के साथ उनके संबंध ठीक हो ही जाएंगे, क्योंकि शिक्षक की पदोन्नति विद्यार्थी के फीडबैक पर निर्भर करती है, सीधा सीधा उसको जोड़ दिया है। और विद्यार्थियों के बीच की प्रतिस्पर्धा को भी कम करना पड़ेगा। आज जो गलाकाट प्रतिस्पर्धा से हमारे विद्यार्थी तनाव में आ रहे और उसी कारण आत्महत्याएं ज़्यादा होती है 12वीं में और 10वीं में, उसको समाप्त करने वाला एक अद्भुत उपाय इस शिक्षा नीति में बताया है। इस शिक्षा नीति में उन्होंने ये प्रावधान किया है कि छात्र भी एक दूसरे का फीडबैक देंगे और वो मूल्यांकन में आएगा। मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं और वो मेरे बारे में मूल्यांकन देंगे और उसके क्रेडिट मुझे मिलने वाले हैं, तो मैं एक दूसरे का सहयोग करूंगा। जो हिस्ट्री में ठीक है वो दूसरों को हिस्ट्री सिखाएगा, जो गणित में ठीक है वो बाकी लोगों को गणित सिखाएगा। कॉम्पिटिशन विल चेंज इन टू कोऑपरेशन, सहयोग में परिवर्तन होगा। यह सामूहिक चरित्र के विकास का उपाय है। एक और बात बता करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ, बहुशाखीय अप्रोच के साथ, समग्र और एकात्म दृष्टिकोण की भी बात यह शिक्षा नीति करती है, और इसलिए कहती है, भारतीय भाषाओं का भी बात कहती है कि मराठी में, गुजराती में, हिंदी में मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, LLB की भी शिक्षा होनी चाहिए।
इसलिए नागपुर के मेडिकल कॉलेज में एक टुकड़ी, एक सेक्शन मराठी में डॉक्टर बनने वालों का बन जाए तो आश्चर्य नहीं आने वाले 10-12-15 वर्षों में। इस शिक्षा नीति ने उसका प्रावधान किया है, लीगल प्रावधान कर दिया। अब उसको इम्प्लीमेंट करना हम लोगों के हाथ में, क्योंकि भले ही अंग्रेजी में पढ़ करके डॉक्टर बने, जब पेशेंट आता है तो वो पेट में दर्द ही बताता है। वो पेट में दर्द को डॉक्टर ने पढ़ा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, अब उसको वो लिंक लगाने में ये बोल क्या रहा है, उसको अपने पढ़ाई से जोड़ने में उसका सारा दिन चला जाता है। इसलिए डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टरी सीखने में 15 साल लग जाते हैं। इसलिए यदि अपनी मातृभाषा में सीखेगा तो वो डॉक्टर जल्दी बन जाएगा। और फिर मेडिकल के पाठ्यक्रम में हम सब लोग कहते हैं अच्छा डॉक्टर तो बना दिया, अच्छा मनुष्य कब बनाओगे? ये शिक्षा नीति उसकी व्यवस्था कर रही है। ये शिक्षा नीति कह रही है गांव का बच्चा डॉक्टर बनने के लिए जाएगा तो वो वहाँ उस मेडिकल कॉलेज में अपने आप को अलग नहीं मानेगा, क्योंकि उसके स्थानीय परिवेश का पाठ्यक्रम में उपयोग कर रहा है। समग्र पाठ्यक्रम के अंदर 50% पाठ्यक्रम यह सामान्य बातें साहित्य का, स्थानीय भूगोल का, स्थानीय परंपराओं का, भारत के इतिहास का, नागरिक कर्तव्यों का, संविधान में दिए गए जो 11 नागरिक कर्तव्य, ये अभ्यास ये पाठ्यक्रम का भाग बना दिया, अभ्यासक्रम का भाग बना दिया। इसलिए मेडिकल में जाओ या इंजीनियरिंग में जाओ ये सब पढ़ना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी और उपाय यह शिक्षा नीति कर रही है। उसमें एक पूरा का पूरा 100 मार्क का सब्जेक्ट भारत का ज्ञान, उन्होंने शब्द प्रयोग किया है, मैंने उनको कहा है उसको भारत बोध नाम दीजिए, भारत का बोध बचपन से बच्चे में जागृत हो। ये हमने भारतीय शिक्षण मंडल की तरफ से सुझाव दिया है कि उस पाठ्यक्रम को भारत बोध कहा जाए। आज उत्तर प्रदेश में चलता है राष्ट्रगौरव नाम से एक पुस्तक चलती है जो 8वीं से लेकर 12वीं तक हर बच्चे को पढ़नी पड़ती है, 100 अंकों का पेपर होता है। अब इसको शिक्षा नीति ने अंक उसका अंग बना लिया कि छठी कक्षा से लेकर और पूरा स्नातकोत्तर ये पढ़ेगा, वो भारत का ज्ञान पढ़ेगा। पहली बार हुआ ये भारत केंद्रितता, इसलिए विद्यार्थियों के लिए बनी हुई शिक्षा नीति, मूल्यांकन से लेकर पाठ्यक्रम निर्माण से लेकर हर गतिविधि में विद्यार्थी के सहभाग के बिना पूर्णता नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था विद्यार्थी को छोड़ करके नहीं हो सकता, ऐसी व्यवस्था बनाने वाली शिक्षा नीति जैसा कि मैंने कहा एक ऋषि ने हमको दी है। अंतिम केवल इतना ही आह्वान है कि शिक्षा नीति तो बन गई लेकिन इसका अनुपालन सरकार पर छोड़ने से नहीं होगा, क्योंकि दहेज एक्ट बन करके 35 वर्ष हो गए और इतना कठोर अधिनियम कानून और कोई नहीं है। इस देश में केवल दो ही ऐसे अधिनियम, दो ही ऐसे कानून है जिसमें अपराधी को सिद्ध करना पड़ता है कि उसने अपराध नहीं किया, बाकी सारे इसमें सरकार को सिद्ध करना पड़ता है। कसाब के बारे में भी सरकार को सिद्ध करना पड़ा, साई बाबा के बारे में भी सरकार को सिद्ध करना पड़ा, लेकिन केवल दहेज एक्ट और एट्रोसिटीज एक्ट, ये दो एक्ट ऐसे जिस पे आरोप लग गया उसको सिद्ध करना पड़ता है कि मैं निरपराध हूँ। इतने कठोर कानून के बाद 35 वर्ष हो गए दहेज बंद नहीं हुआ, क्योंकि सरकार तो केवल नीति बना सकता है, उसको अपनाना, लागू करना, अमल में लाना, क्रियान्वयन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना समाज के हाथ में। इसलिए समाज की सहभागिता से बनी हुई यह शिक्षा नीति, समाज की सहभागिता से और खास करके शिक्षकों की सहभागिता से, शिक्षकों के दायित्व से, विद्यार्थियों की सहभागिता से, माता पिता के, अभिभावक की सहभागिता से ही सफल हो सकेगी। इसलिए हम सब प्रबुद्ध जनों का यह कर्तव्य है। और इसलिए फॉर्चून फाउंडेशन को और अनिल सोले जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ये जन जागरण का काम शुरू किया। बिना जगर जागरण के यह संकल्प सिद्ध नहीं हो सकता, इस संकल्प की सिद्धि के लिए जनता को जागृत करना, जोड़ना, यह काम आवश्यक है जो फॉर्चून फाउंडेशन ने शुरू किया है। हम सब लोग उसको आगे बढ़ाए और भारत को पुनः एक बार विश्व गुरु बनाए, इसी अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।